जबलपुर की क्राइम ब्रांच और बरगी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए 17 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इन जुआरियों के पास से पुलिस ने 25,27,000 रुपए नकद बरामद किए हैं और 6 चार पहिया और 19 मोबाइल भी पुलिस को मौके से मिले हैं। बताया जा रहा है कि बरगी के मोहास गांव स्थित एक फार्म हाउस में ये जुआ संचालित हो रहा था। फार्म हाउस जबलपुर निवासी मुकेश खत्री का बताया जा रहा है। दरअसल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवेश सिंह बघेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम मोहास में मुकेश खत्री के फार्म हाउस में काफी बड़ा जुआ चल रहा है। सूचना के बाद क्राइम ब्रांच एवं बरगी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुए जुआ खेल रहे 17 जुआरियों को रंगे हाथों पकड़ा। क्राइम ब्रांच और बरगी पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई का मैं उल्लेख करना चाहूँगा, जिसमें कि थाना बरगी क्षेत्रांतर्गत ग्राम मुहास में एक फार्म हाउस में जुए की रेड हुई, जिसमें 25,27,400 रुपए की जो एक बड़ा जुआ है इसको पकड़ा गया है। इसमें कुल 17 लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। कुल 6 फोर व्हीलर इसमें जो है जब्त हुए हैं, 19 मोबाइल जब्त हुए हैं। और मेरे हिसाब से अभी ये जबलपुर का अभी अब तक का सबसे बड़े जो जुआ रेड है उनमें से एक है। इस अच्छी कार्रवाई के लिए क्राइम ब्रांच के जो हमारा स्टाफ है, बरगी पुलिस का जो स्टाफ है, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। और ये जुए सट्टे एवं अन्य जो असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जो मुहिम है ये जारी रहेगी। सर, ये कब से चल रहा था, क्या इनपुट मिला, कितना समय हो गया वहाँ पर फार्म हाउस में? जो अभी चूँकि अभी घटना अभी थोड़े मतलब प्रारंभिक जो भी अभी उनसे पूछताछ हुई है उसमें ये पता चला है कि ये बड़े शातिर टाइप के जुआड़ी थे और ये अपना जो स्थल है ये चेंज कर करके कोई ऐसा रेगुलरली यहाँ पे उनका बैठना अभी तक की जो प्रारंभिक पूछताछ है उसमें नहीं पाया गया, लेकिन अपना स्थान जो है चेंज करते थे।